तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मंडे वीक का पहला दिन और सैटरडे संडे इस बार हमारी क्राइम टीम थोड़ी कहीं आसपास में, बहुत टाइम हो गया था, घूमने के लिए निकले थे जंगल में, तो दो दिन बड़े अच्छे गुजरे सैटरडे संडे। हालांकि संडे वापस आ गए और थोड़ा खबरों से बाकी चीज़ों से दूर, तो कभी कभी ये पल भी ज़रूरी होता है। तो सभी खुश थे, शिकारपुरी भी उसमें शामिल थे, तो एक लंबी चौड़ी टीम गई थी। अब इसी दौरान में कल मैच भी था रात को, हालांकि इंडिया बाहर थी और शुरुआत में जिस तरीके से 5 विकेट लंका के गिरे, उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये वन साइडेड मैच है, देखने का कोई मतलब भी नहीं है। दो दिन की थकान भी थी, सो गया। सुबह उठा तो पता चला कि लंका जीत गई, फिर पूरा हाईलाइट देखा तो इस जीत के लिए वाकई लंका हकदार भी थी। और दिल से चाहते थे कि श्रीलंका इसलिए जीते क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो श्रीलंका में हालात हैं, गरीबी है, हर चीज़ महंगा है, पेट्रोल नहीं है, खाने पीने की चीज़ आसमान जो है वो दाम छू रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ, लोग परेशान बेहाल, पॉलिटिक्स भी वैसे ही, सरकारें भी आ रही जा रही हैं, और ऐसे तमाम हालात के बीच में, और ये एशिया कप श्रीलंका में ही होना था लेकिन माली हालत और वहाँ के हालात को देखते हुए इसको वहाँ से निकाल कर UAE में ले जाया गया। तो एक दुख वो भी था क्योंकि श्रीलंका में होता तो होस्ट नेशन को थोड़ा फ़ायदा भी होता फाइनेंशियली, तो श्रीलंका के लिए डबल झटका था। एक तो वहाँ हालात ऐसे, ऊपर से एशिया कप जो मेज़बानी के दावेदार थे वहाँ से निकाल कर UAE। फिर पहला मैच एशिया कप शुरू हुआ और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने बुरी तरह से हराया तो कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका ने फाइट बैक किया, अपने तमाम मैच जीते, दो दिग्गज एशिया की टीमें, इंडिया को एक बार, पाकिस्तान को तो दो दो बार हराया और फिर एशिया कप जीता। तो इस एशिया कप जीतने से श्रीलंका के अंदर भी लोगों में जो इतना इस वक्त गम, अफसोस, महंगाई, मजबूरी, थोड़ी खुशी मिली होगी। तो ऐसे माहौल में ये जीत एक बड़ी जीत है श्रीलंका के लिए भी और श्रीलंका के लोगों के लिए भी, तो इसलिए दिल से खुशी हुई और पूरी श्रीलंकाई टीम को वाकई मुबारकबाद। और उनसे हमें सीखना भी चाहिए कि कैसे 5 विकेट गिर गया, हालात उनके हिसाब से थे नहीं, लग रहा था कि अब 100-125 रन बनेंगे, ज़्यादा नहीं 140 बन जाएंगे, लेकिन आखिरी के दो जो मेन रिकग्नाइज बैट्समैन थे उन्होंने इसको 170 तक स्कोर ले गए। और फिर उनकी बॉलिंग और क्या फील्डिंग थी, क्या सारे उन्होंने कैच पकड़े, तो कुल मिलाकर एक टीम गेम। और इसमें कोई सुपर स्टार नहीं, याद रखिएगा, पहले वाले श्रीलंका में जैसे वैसा कोई नहीं, सारे नए, लेकिन टीम की यूनिटी, जीतने का जज्बा, घर में जो कुछ हो रहा था शायद उसका भी कि इसी के ज़रिए हम लोग कुछ दिखाते हैं, और इन सारी चीज़ों ने मिलकर वो करिश्मा कर दिया कि श्रीलंकाई टीम एशिया कप चैम्पियन बन गई। अच्छा लगता है जब ऐसा मैच और ऐसी टीम जीतती है तो, और अफसोस ये होता कि बड़े सपने पाले थे 11 तारीख को देखेंगे फाइनल, लेकिन हम पहले ही बाहर हो गए, तो शायद उसी अफसोस की वजह से फाइनल देखना भी नहीं चाहता था। खैर, आते हैं अब आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी जापान की एक ऐसी कहानी है जो मैं ख़त्म करूंगा तो मुझे लगता है आप सब हमेशा इसको याद रखेंगे, इस कहानी को, क्योंकि ये कुछ अलग कहानियों में से एक। और अगर जापान की बात करें तो जापान के इतिहास में पिछले 38 साल हो गए इस कहानी को, इससे बड़ा ज़ख्म जापान पुलिस के सीने पर कोई और केस नहीं है। जापान पुलिस के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के चुनिंदा गिने चुने देशों में से एक है जिसकी पुलिस बेहद एडवांस है, बेहद तेज़ है, और कोई भी क्रिमिनल इनकी नज़रों से बच नहीं पाता है, हाईटेक भी है। तो उनके जो केस के कन्विक्शन रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, केस के सॉल्व करने के रेट भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि दुनिया में पहले नंबर पर जापान है जो मर्डर केसेस के 97% केस सॉल्व कर देता है। ऐसे ही बाकी केसेस हैं क्राइम के, हालांकि जापान का ये भी है कि जापान की जो अपनी सुरक्षा है उसकी सुपारी तो नहीं कहेंगे, ठेका एक तरह से, कॉन्ट्रैक्ट वो अमेरिका को दे रखा उन्होंने, वो हिरोशिमा नागासाकी के बाद अमेरिका और उनके बीच में एक पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, तो जापान की सुरक्षा बाहरी हमलों से उसकी पूरी जो ठेका है वो अमेरिका ने ले रखा है। तो आर्मी और उस तरफ से जापान बेफिक्र रहता है, तो बाकी पूरा फोकस उनका पुलिस पे है, इंटरनल जापान के अंदर क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर। तो जापान पुलिस इतनी शातिर, इतनी तेज़ तर्रार कि कोई मुजरिम उसकी नज़रों से बच ना पाए। उसी जापान पुलिस के इतिहास में आज की कहानी यानी केस नंबर 114 एक ऐसा केस है
जिसको न सुलझा पाने का मलाल आज भी उनके दिल में है। और ये वो केस है जिस केस की वजह से और इसी नाकामी की वजह से फिर जो बेइज्जती हुई पुलिस की, एक पुलिस अफसर ने तो खुदकुशी तक कर ली, खुद को जिंदा जलाकर। सोचिए कितना बड़ा जख्म है जापान पुलिस के सीने पर। इस केस के ये तो कई नाम है, केस नंबर 114 भी है। इसके अलावा इस केस को ग्लाइको और मोरिनागा केस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर इस केस को सबसे ज़्यादा लोग जिस नाम से जानते हैं वो नाम है द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस, यानी 21 चेहरों वाला एक शैतान, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। अब ये कहानी क्या है? कहानी ये कि जापान में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो हर देश में होता है, जो खाने पीने की चीज़ें इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। तो जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कैंडी, चॉकलेट ये बनाया करती थी, बहुत पॉपुलर और बहुत बड़ी कंपनी। उसका नाम था ग्लाइको। ग्लाइको कंपनी बहुत कैंडी बनाती थी और बड़ा मशहूर था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। इस कहानी की शुरुआत होती है, अच्छा कुल 17 महीने की ये कहानी है, 18 मार्च 1984 की ये कहानी है। इस ग्लाइको कंपनी के जो कैंडी बनाता है पूरे जापान में, जिसकी सप्लाई चेन है, इसी ग्लाइको कंपनी के ओनर मालिक जिनका नाम है इजाकी, इजाकी के घर पर 18 मार्च 1984 की रात दो नकाबपोश घर में दाखिल होते हैं, एक के हाथ में पिस्टल, एक के हाथ में राइफल। जब ये दाखिल होते हैं तो वो घर, एक साथ दो घर है, एक हिस्से में खुद इजाकी रहते हैं अपनी बच्चे और बीवी के साथ और एक हिस्से में उनकी माँ। तो ये दो नकाबपोश, चेहरे पे नकाब है, रात करीब 9 बजे का वक्त है, 18 मार्च की तारीख है, साल 1986 का है, हाथ में पिस्टल और हाथ में राइफल लेकर इजाकी के घर में दाखिल होते हैं। चोरी की चाबी का इन्होंने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। जब पहला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं तो सामने 70 साल की एक बूढ़ी औरत इन्हें दिखाई देती है, वो इजाकी की माँ थी। सबसे पहले वो इजाकी की माँ को पकड़ते हैं, गन दिखाते हैं, कहते शोर मत करो, और वहीं घर में रखे टेलीफोन के तार से इजाकी की माँ को बांध देते हैं। अब इजाकी की माँ को बांध दिया, मुंह पे टेप लगा दिया, अब उसी के अंदर इंटरकनेक्टेड है, वो दूसरे घर में दाखिल होते हैं। जैसे दूसरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं, सामने एक जवान औरत, इजाकी की वाइफ, उसे भी पकड़ते हैं, गन दिखाते हैं और टेलीफोन के तार से उसे बांधने लगते हैं, और अभी मुँह पर टेप लगाना है। इजाकी की वाइफ को लगता है लुटेरे हैं, वो कहती है काम करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम पैसे ले लो, हमें कुछ मत करो, छोड़ दो। वो कहता है हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, और ये कहकर फिर वो मुंह पे टेप लगा देता है। अब दो लोगों को टेलीफोन के तार से वो बांध चुके, दोनों नकाबपोश अब घर में तलाशी लेते हैं जिसके लिए वो आए थे, कि इजाकी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते दोनों बाथरूम में पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं बाथ टब में इजाकी अपने दो छोटे बच्चों के साथ है, वो उन्हें नहला रहा है। कोई कपड़े नहीं है इजाकी के जिस्म पर, क्योंकि बाथटब में है। ये दोनों गन दिखाते हैं, इजाकी को गन पॉइंट पे लेते हैं और कहते हैं हमारे साथ चलो, उसे लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद एक कार के पिछली सीट पर इजाकी को यूं ही नंगा बिना कपड़ों के डालते हैं और घर से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अब वो उसे ओसाका ले जाते हैं, ओसाका के एक खुफिया घर में, एक बड़ा सुनसान इलाका था, वहाँ ले जाकर उसे बांध कर रख के छोड़ देते हैं। कोई गार्ड नहीं, कोई पहरेदार नहीं, बड़ो बहुत सुनसान इलाका, हाथ पैर भी ठीक से बांधे। ये सब करने के बाद अब अगले दिन सुबह, इधर रात को ही पता चल गया कि इजाकी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, माँ बीवी बंधी हुई थी, पुलिस पहुँच चुकी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, कंपनी में उधर हड़कंप मच गया, हमारे ओनर किडनैप हो गए। अब अगले दिन एक मैसेज आता है इसी ग्लाइको कंपनी के जो नंबर 2 था वहाँ का, जो उसके पास, और कहा जाता है कि तुम्हारे कंपनी के ओनर मिस्टर इजाकी हमारे कब्ज़े में हैं, 21 मार्च तक, ये बात 18 मार्च की है, 3 दिन का वक्त, 19 मार्च को ये मैसेज गया, तो 19, 20, 21, 3 दिन, 21 मार्च को इस वक्त तक हमें 1 बिलियन येन जापानी करेंसी और 100 किलो गोल्ड सोना अगर तुमने नहीं दिया तो इजाकी को हम मार डालेंगे। 1 बिलियन येन उस ज़माने में शायद 9 मिलियन यूएस डॉलर के करीब था, बड़ी रकम थी।
अब जैसे ये कंपनी में फ़ोन आया, हड़कंप मच गया। इधर पुलिस तक खबर है, पुलिस ने हर तरफ नाकेबंदी कर दी, ढूंढना शुरू किया, तलाश जारी है। अब 18 को किया था, 19 को ये मैसेज आया, फिरौती की रकम मांगनी, क्योंकि किडनैप हुआ हुआ है पूरी। और किडनैप भी ऐसे कि एक बड़ी हस्ती, एक बड़ा शख्सियत, जो इतनी बड़ी कैंडी कंपनी ग्लाइको का मालिक है, जापान पुलिस के लिए एक चैलेंज। उन्होंने पूरे शहर में ओसाका के जाने वाले रास्ते, हर जगह नाकेबंदी से लेके गाड़ियों की तलाशी सब कुछ शुरू की, बहुत सारे लोगों को उठाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 19 बीत गया, 20 बीत गई, अब 21 मार्च की तारीख आ गई और 21 मार्च को ही ये पैसे देने थे। लेकिन 21 और 20 मार्च की रात को ही, मतलब अभी 21 को जब वो ख़त्म हो रहा डेडलाइन, उसके बाद हो सकता है इज़ाकी की जान को खतरा हो, रात को ही किसी तरह इज़ाकी अपने हाथ पैर खोलकर उस सुनसान गुमनाम जगह पे जहाँ पे उनको रखा गया था बंधक बनाकर, वहाँ से निकल भागते हैं बड़े मुश्किल से, डरते डरते कि कोई पीछा नहीं कर रहा, मार ना दे, लेकिन कोई पीछा नहीं करता। और इज़ाकी वहाँ से आज़ाद भागते हुए अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद पुलिस को खबर दी जाती है, उनका प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। अगले दिन अखबारों में खबर कि बड़ी तारीफ़ वाली खबर कि इज़ाकी ने किस तरीके से किडनैपर्स को गच्चा दिया और उनके चंगुल से निकलकर जान हथेली पर डालकर वहाँ से भाग आए और बच गए, और इत्तेफाक से रैंसम की रकम देने से पहले यह काम हो चुका था। तो बिना फिरौती दिए हुए ही इज़ाकी छूट कर आ गए या भाग कर आ गए, लगा किस्सा ख़त्म। लेकिन किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। इज़ाकी जब छूट कर आए, उसके अगले दिन उनकी जो फैक्ट्री, जो दफ्तर था, वहाँ पर 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, 6 के 6 में अचानक आग लग गई। अब पहले लगा पता नहीं क्या हादसा है कि क्या है। इसके बाद एक इस घटना के फिर 1-2 दिन बाद उनके ही इस कंपनी में एक कंटेनर ने किसी ने भेजा कि कंटेनर आया। उन्होंने कंटेनर आता जाता था कंपनी में, बट जब उस कंटेनर को खोला गया तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था। अब इस एसिड का क्या करना था पता नहीं, वो तो एंड टाइम पर पुलिस को खबर दी गई, और पूरा जो है कंटेनर, तो ये दूसरा हादसा होते होते बचा। अब जोड़ना शुरू किया कि 6 कार का जलना, ये इज़ाकी का भाग करा जाना, किडनैपर का यूं उनका पीछा ना करना, ये सारी बात चल रही, लेकिन कुछ पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। पता तब चला जब पूरा महीना मार्च का ख़त्म हो गया, धीरे धीरे लोग भूलने लगे इज़ाकी की किडनैपिंग की बात को। 8 अप्रैल 1984 की तारीख आ गई, मतलब लगभग 15-16 दिन बीत गए थे 21 मार्च के डेडलाइन के बाद। तो 8 अप्रैल को एक जापान पुलिस को एक लेटर मिलता, एक गुमनाम खत, और वो लेटर जो लिखा गया था उसकी शुरुआत ही ऐसे थी कि जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम, ये लेटर का पहली लाइन थी लेटर जो खत्म था। अब सोचिए, जापान पुलिस के पास से गुमनाम लेटर उनके अफसर के पास आया था, और लेटर खोलते ही पहली लाइन यही है कि टू द पुलिस फूल्स ऑफ जापान, जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम। अब उस खत में आगे क्या लिखा था, यहू बहू पूरा खत उसका ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ, जो भेजा गया था 8 अप्रैल 1984 को। जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम, क्या तुम पागल हो? तुम धरती पर कर क्या रहे हो? अगर तुम प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मुझे पकड़ना मुश्किल है, पर मैं कुछ हिंट देता हूँ। मैं इज़ाकी का रिश्तेदार नहीं हूँ जिसका किडनैप हुआ था, न इज़ाकी के कंपनी में काम करता हूँ उसका कर्मचारी हूँ, न ही इज़ाकी के खेतों में काम करने वाला हूँ। मैं इनमें से कोई नहीं, इसलिए मुझे इनके इर्द गिर्द मत ढूंढना, यानी न कंपनी में ढूंढना, न रिश्तेदारी में ढूंढना, न उसके खेतों पे जो काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनमें ढूंढना। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, तो यहाँ मुझे मत ढूंढना। हाँ, जो कार मैंने इस्तेमाल की थी, अब ये हिंट भी दे रहा है कि जो कार मैंने इस्तेमाल की थी उसका कलर ग्रे है, ग्रे रंग का है। मैंने अपना खाना डाइके एक स्टोर है वहाँ पे, उसका नाम है, तो मैंने अपना खाना डाइके स्टोर से ख़रीदा था। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो न्यूज़पेपर वालों से भीख मांगो।
इसके बाद मुझे पकड़ लोगे, और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम टैक्स चोर हो। यहाँ टैक्स चोर इसलिए कहा कि तुम टैक्स के ऊपर, टैक्स की वजह से तुम लोगों को सैलरी मिलती है, और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम टैक्स चोर हो। क्या मैं पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर तुम्हारे किसी अफसर को किडनैप कर लूँ? आखिरी में यही था, और नीचे द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। ये पहला खत था जो इस नाम से भेजा गया था, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस, 8 अप्रैल 1984 को, इजाकी की किडनैपिंग के 15 दिन के बाद, जब लगा कि इस केस में अब कुछ है नहीं, और सीधे सीधे जापान पुलिस वाले को चुनौती और हिंट कि हमें पकड़ो। अब इसमें दो हिंट था, एक तो चलिए कि उसका रिश्तेदार नहीं है, उसके फैक्ट्री में काम नहीं करता, उसके खेत पे काम नहीं करता, लेकिन दो चीज़ें दी इसने, एक कि जिस कार में मैं उसको लेकर गया वो ग्रे कलर का है, और जाने से पहले हम लोगों ने एक स्टोर से खाना लिया था, और उस स्टोर का नाम है डाइके स्टोर। ये दो हिंट कि पकड़ सको तो पकड़ो। अब इस खत के बाद पुलिस ने ओसाका से ले के जितने भी हैं सारे रास्तों पे जितने ग्रे कलर की कार, उन सब की छानबीन शुरू की। इतना ही नहीं, डाइके स्टोर में जो शख्स आए जाए, जिस पे भी ज़रा शक हो उसे पकड़ लें, जो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहा है। अब ऐसे ऐसे सैकड़ों हज़ारों की तादाद होगी, जिस पे शक हो ग्रे कलर वाले कार का या फिर डाइके स्टोर का, उन सबको उठाते जाए, लेकिन कोई क्लू ना मिले। इधर लेटर बेचैन कर रहा है पहली लाइन कि जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम, तो एक वो भी, और जापान की पूरी जो पुलिस की एक छवि, एक इमेज, उसे एक लेटर ने धज्जियाँ उड़ा दी, और ये लेटर इत्तफाक से सारे न्यूज़पेपर में छप गया। छपा तो इजाकी की कहानी भी छपी, कैसे किडनैपिंग, अब उसको जोड़ कर भी देखा जाने लगा कि उसको किडनैप किया लेकिन वो फिर भाग आया, तो किडनैपर इतना बेवकूफ़ नहीं है, तो इसका मतलब है उसकी रिहाई में भी कहीं ना कहीं उनका हाथ है, लेकिन किडनैपर चाहता क्या है? इस खत में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, एक कॉल आया था इजाकी के बाद कि 1 बिलियन येन, 100 kg गोल्ड, लेकिन वो भी नहीं ले गया। घर पे भी पैसे दे रही थी उसकी बीवी, वही नहीं ले गया। अब ये खत देकर जापान पुलिस की वो ऐसी की तैसी कर रहा है। तो ये कहानी है क्या, मामला है क्या? तो बहुत सारे लोगों को पूछा, पकड़ा, पर कोई क्लू नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लगी रही अपनी इस बदनामी को झेलते हुए। अब 8 अप्रैल के बाद ठीक 1 महीना 2 दिन बीत गए थे, 1 महीने 2 दिन के बाद एक दूसरा लेटर पुलिस के पास आता है, और ये एक लेटर जो पुलिस के पास आया, साथ ही एक और कंपनी को भी ये लेटर भेजा गया, और ये जो कंपनी थी, ये इस जापान में जैसे ग्लाइको है जो बनाती है चॉकलेट और ये कैंडी, मोरिनागा, ये भी ऐसी खाने के प्रोडक्ट और कैंडी ये सब बनाने में एक बड़ी कंपनी। तब दूसरी चॉकलेट या कैंडी की कंपनी मोरिनागा, उसके नाम एक दूसरा खत 10 मई 1984 को। इस खत में लिखा था, मैंने तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर अलग अलग स्टोर में रखवा दिए हैं, जो भी खाएगा उसकी मौत ज़रूर होगी और उनका जिम्मेदार कंपनी होगा। अब इस लेटर से पहले एक और लेटर आया था, और वो लेटर ग्लाइको कंपनी के नाम पे आया। पुलिस ये पहले ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि उसने इजाकी को उठाया, पैसे नहीं लिए, रैंसम भी नहीं मिला, वो भाग भी गया, तो ये चाहता क्या है, और जापान पुलिस को लेटर लिख रहा है। तो ये सब तो मिला नहीं, उसने सेम ऐसी एक लेटर ग्लाइको कंपनी को लिखा जब थोड़े दिन बीते, और ग्लाइको कंपनी को के नाम पर लिखते हुए वो ये लेटर पुलिस को ही भेजता है, और उसमें लिखता है कि तुम्हारी जो कंपनी है और जो ये कैंडी है, हमने इस कैंडी में कुछ जहर मिलाया, और वो जहर मिली हुई कैंडी तुम्हारे अलग अलग जापान के स्टोर में भेज जो है वो मौजूद है। अब अगर कोई भी खाएगा तो मारा जाएगा। अब जैसे ही ये लेटर आया तो हड़कंप मच गया। अब उसमें ये नहीं लिखा था कि किस फ्लेवर की कैंडी में या कौन सी कैंडी में, कैंडी के अलग अलग वैरायटी थे, तो अगर वो ये लिखता कि फलाने कैंडी में, तो शायद उस सारे कैंडी को वापस ले आते, लेकिन लेटर लिखने वालों ने ये लिखा ही नहीं कि किस कैंडी में, किस फ्लेवर में, किस, तो ये था कि जितनी भी कैंडी इस कंपनी में बनती है उन सब में हो सकता है, और रिस्क नहीं लिया जा सकता। फौरन ग्लाइको कंपनी ने
पूरे जापान के हर स्टोर से हर कैंडी वापस मंगा ली ताकि एक भी शख्स खा ना पाए और उसकी कहीं मौत ना हो जाए अगर ये बात सच है कि उसमें जहर है। तो सारे स्टोर से अपने प्रोडक्ट हटा लिए कंपनी ने, और हटाने के बाद अब ये हुआ कि ये बात अखबार में भी फैली, लोग कैंडी खाने से डरने लगे और इस कंपनी को उस वक्त ये सारे हटाने में और उसके बिजनेस में जो गिरावट आई 130 मिलियन येन का नुकसान हुआ, 130 मिलियन येन सिर्फ इस एक लेटर से कि तुम्हारे कैंडी में जहर डाला। तो ये एक लेटर आया, फिर इसके बाद कुछ महीने का गैप होता है, इस दौरान में कुछ छोटी मोटी कंपनियों को भी ऐसे ही लेटर आए और उन सब के लेटर के आखिर में वही होता था कि द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। तो अब ग्लाइको की हालत खराब, कैंडी में जहर, ग्लाइको का मालिक किडनैप हुआ लेकिन छूट गया। अब धीरे धीरे उसकी कंपनी की हालत भी खराब होती गई। फिर एक रोज एक लेटर आया और उस लेटर में कहा गया कि ये जो ग्लाइको कंपनी है ये बड़ी शर्मिंदा है अपने किए पे, बड़ी नुकसान भी इसको हो चुका है, हमारा मकसद इनको परेशान करना था वो हमने कर लिया और जो हमारा मकसद था वो भी हमने कर लिया, अब हम इनका पीछा छोड़ते हैं, अब हम ग्लाइको कंपनी को तंग नहीं करेंगे। एक लेटर ही आया, अब ये लगा कि ये भी एक झूठ या कुछ हो सकता है, लेकिन सच में ग्लाइको को नहीं किया, लेकिन उसी लेटर में था कि ग्लाइको को तंग नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कह रहा हूँ किसी और कंपनी को नहीं करूँगा ये नहीं कह सकता। अब ये लेटर आया, इसके बाद सचमुच ग्लाइको कंपनी को उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई तंग नहीं किया, ना कोई ऐसी चीज़ की ना धमकी दी। धीरे धीरे वक्त बीता, अब मई से नवंबर आ गया, 1 नवंबर को अचानक फिर एक लेटर अचानक सामने आता है। ये लेटर एक और कंपनी को गया और पुलिस को, कंपनी थी मोरिनागा जो यही कैंडी और चॉकलेट बनाती थी, और ये जो लेटर लिखा गया ये मोरिनागा कंपनी के प्रेसिडेंट के नाम पे लिखा गया, जैसे इजाकी को लिखा गया था। तो इस लेटर में 1 नवंबर 1984 को लिखने वाले शख्स ने लिखा, तुमने हमारी पावर देख ली होगी इजाकी वाले मामले में, अगर तुम भी हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी कंपनी भी डुबा दूंगा, तुम मारे जाओगे, ये तुम तय करोगे कि मुझे पैसे दोगे या अपनी कंपनी को डूबते हुए देखोगे, मुझे 5 या 6 तारीख वाले अखबार में लिखकर बताना, मतलब जिस डेट के अखबार उसने हिंट दिया हुआ यहाँ पे, 5 या 6 तारीख के न्यूज़पेपर में लिखकर बताना, मुझे 200 मिलियन येन चाहिए, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस, नीचे दस्तखत यही है। अब जब ये आया, अब मोरिनागा कंपनी की हवा खराब, अब मोरिनागा कंपनी को इस लेटर के आने के बाद उसके प्रेसिडेंट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, जापान पुलिस लग गई। लेकिन फिर इसके बाद एक और लेटर आया और उसमें कहा गया मोरिनागा कंपनी को कि हमने तुम्हारी कंपनी में खास फ्लेवर तुम्हारी कैंडी में हमने लगा दिया है और वो फ्लेवर ऐसा है कि जो भी खाएगा मारा जाएगा, इनडायरेक्टली ये था कि ये पॉइजन है। तो मैं सिर्फ इतना हिंट देता हूँ कि 10 बॉक्स में हमने ये फ्लेवर लगाया कैंडी के, और उन 10 बॉक्स के अंदर जिन जिन बॉक्स में ये ख़ास फ्लेवर जहर वाली कैंडी है उसके अंदर एक एक लेटर है, तो जिस बॉक्स में लेटर होगा समझ लेना कि ये जहरीली कैंडी है। अब ये हिंट, अब हड़कंप मचा, सारी कैंडी को इस कंपनी को ही वापस बुलाना पड़ा। लेकिन फिर जापान पुलिस ने कुछ CCTV कैमरे उठाने शुरू किए, तो एक जगह पे एक शख्स कैंडी के कुछ डब्बे खोल रहा है, उसमें कुछ डाल रहा है, तो पुलिस को शक हुआ। अब उसका स्केच विस्केच निकाला गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर में वो 10 डब्बे वाकई मिले, हर डब्बे की अब तलाशी हो रही थी, और उस 10 डब्बे में बाकायदा लेटर लिखा हुआ था जैसा कि उसने खत में कहा था कि हम इसके अंदर एक लेटर छोड़ रहे हैं, जिसमें लेटर समझ लो कि उसी में जहर है। और उन सभी लेटर्स के अंदर जो लिखा हुआ था वो यही था कि ये पॉइजनस है, इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होगा, इसे यूज़ ना करें, वो हर एक में लिखा। लेकिन जापान पुलिस कभी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि ये पॉइजन वाला था नहीं था, क्योंकि किसी ने खाया नहीं, और उस वक्त तक
जब ये टेस्ट करने के लिए भेजते फॉरेंसिक में, तब तक ये था कि ये शायद मजाक है, लेकिन फिर भेजा गया तो ये पता चला कि इसमें से कुछ में वाकई पॉइजन के लेस थे और बाकायदा उस लेटर के साथ लिखे हुए थे। अब जापान पुलिस के लिए यहाँ पे फिर सरदर्द, अब इस कंपनी का भी ये कि बदनामी हो रही है, इस कंपनी के भी जो है वो माली हालत ख़राब होती गई। फिर धीरे धीरे वक्त बीता और अब पुलिस के ऊपर इधर अखबारों में, मीडिया मतलब और लोगों के अंदर पुलिस की जो है जग हसाई हो रही है कि एक गैंग है जो पुलिस को चैलेंज कर रहा है, पकड़ सको तो पकड़ो, बेवकूफ़ कह रहा है और लेटर पे लेटर लिख रहा है, उनके इतने का नुकसान कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो जापान पुलिस के लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग केस हो गया कि पूरी टीम लग गई। और इसी के चक्कर में हुआ ये कि इनका एक अफसर था जापान पुलिस का, जो अब तक जापान पुलिस करीब 125,000 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी इन सारे लेटर और 17 महीने के दरमियान 125,000। इसके अलावा हर गैंग जो वहाँ एक्टिव था, चाहे वो यकूजा हो या फिर नॉर्थ कोरियंस वहाँ पे रहे थे, उन सब में से सैकड़ों को उठाया, पूछताछ की गई, को टॉर्चर किया, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोगों से टिप्स मिले, वो सब बेकार निकले, बट किसी को भी ये लोग पकड़ नहीं पाए। और इन्हीं में से एक पुलिस अफसर था जो एक वहाँ के सीनियर अफसर, जिनका नाम था शोजी यमामोतो। शोजी यमामोतो इस केस पे इस तरीके से लगे हुए थे कि इसको उन्होंने बना लिया था कि हम जापान पुलिस की इस बदनामी के दाग को धोएंगे, लेकिन कुल्लू तक नहीं मिला। 125,000 लोगों तक मेहनत कर ली, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार एक रोज़, ये तारीख थी अगस्त 1985 में शोजी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली और उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत की खबर अखबारों में छपी कि कैसे एक गैंग, ये जो मॉन्स्टर विथ 21 फेजेस, इसकी नाकामी ने एक पुलिस अफसर, एक सीनियर पुलिस अफसर की जान ले ली है। अब जब ये डेथ की खबर आई, इसके बाद फिर लेटर लिखा इस गैंग ने, द मॉन्स्टर ऑफ 21 फेजेस ने, उस लेटर में इसने लिखा, हाउ इज स्टूपिड ऑफ हिम, ये उस पुलिस अफसर के लिए जिसने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वो आगे लिखता है हालांकि कि हमें, हमारी संवेदनाएं उसके परिवार के साथ हैं, उस पुलिस अफसर के, और अब हमने तय किया है कि अब हम जो फूड बनाने वाली कंपनियां हैं उन कंपनी को अब हम टॉर्चर और नहीं करेंगे, ना हम उनको तंग करेंगे ना परेशान करेंगे। आज के बाद अगर कोई हमारे नाम पर, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस, कोई ब्लैकमेल करता है, रैंसम मांगता है या कोई लेटर भेजता है, तो समझ लीजिए कि वो हम नहीं है, कोई हमारी कॉपी कर रहा है। ये लेटर लिखा अगस्त 1985 में, बाकायदा उस पुलिस वाले को श्रद्धांजलि देते हुए, और ये कि अब हम किसी फूड कंपनी को तंग नहीं करेंगे। इस बार लेकिन उन्होंने मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस से पहले कुछ और अपने नाम लिखे, यानी अपने बारे में कहा। वो लिखा कि हम लोग बुरे लोग हैं और हमें मज़ा आता है ऐसे काम करने में, अगर एक किसी चीज़ में फ़न आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो फिर बुरे होते हुए भी उसको करने में क्या बुराई है, तो मज़ा आ रहा है हमें। तो ये आखिरी लेटर था जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब हम दोबारा कभी नहीं करेंगे किसी फूड कंपनी को तंग, और इसके बाद कोई अगर करता है तो हमारी कॉपी कर रहा है। तो मार्च 84 से शुरू हुआ यह सिलसिला, अगस्त 85 में ख़त्म हुआ, तो करीब 12-17 महीने। और वाकई अगस्त 85 के बाद कभी भी कोई ऐसा लेटर नहीं आया, ना किसी को धमकी दी गई और ना ही कोई किसी को टॉर्चर किया गया, ख़ासतौर पर किसी फूड कंपनी में। उसके बाद ये दोनों कंपनी ने भी अपना काम ठीक ठाक किया। तो जापान के इतिहास में आज भी कहते हैं, बाद में फिर रिपोर्ट भी आई थी, उसमें ये रिपोर्ट थी कि हाँ, मैंने शुरू में वो एक जगह गलत, कि किसी को भी जहर से इस गैंग ने नहीं मारा, कोई मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब किडनैपिंग हुई, रैंसम नहीं लिया, दोनों से मांगा नहीं लिया, जहर भरी कैंडी की बात की पर जहर से कोई मरा नहीं। तो ऐसा केस था कि जिसमें ना कोई पैसे का लेन देन हुआ, ना किसी की मौत हुई, ना किसी की जान ली, लेकिन 17 महीने तक परेशान करके रख दिया और कई कंपनी की तो पूरी मार्केट ही डुबा के रख दी, और सबसे बड़ा जख्म दिया पुलिस वालों को।
कि पकड़ सको तो पकड़ लो। 38 साल के इतिहास में जापान के आज भी ये केस अनसुलझा है, आज भी नहीं मालूम कि ये 21 फेसेस वाले जो मॉन्स्टर हैं ये असली में है कौन, था कौन। और दूसरी चीज़, जापान का एक कानून है कि अगर किसी जुर्म के लिए किसी मुजरिम को आप पकड़ते हैं 25 साल के अंदर तो ठीक है, अगर 25 साल बीत गए उस क्राइम को किए हुए तो फिर 25 साल बाद आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, वो अपने आप फिर आज़ाद है। अगर इस केस को 38 साल हो गए, आज ये जो गैंग है पूरा ये मॉन्स्टर गैंग विद 21 फेसेस, अगर सच में इनके चेहरे पे नकाब था और ये सारे मॉन्स्टर ये अपने नकाब उतार कर सामने आ जाए और कहें कि हाँ मार्च 84 से लेकर अगस्त 85 तक जो ये सारा काम हुआ, जो पुलिस को हमने लेटर लिखा, वो हम लोग हैं, और ये अपने नाम अपने चेहरे अपनी पहचान के साथ सामने आ जाए, तो आज जापान पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 25 साल से ऊपर के इस केस को हो गए, अब उन्हें वहाँ के कानून के हिसाब से सज़ा नहीं दिया जा सकता, तो वो आज़ाद है। तब सवाल ये है कि क्या वो हिम्मत करेंगे सामने आने की, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अब वो उस सज़ा के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन 38 हो गए, 25 साल को भी बीते हुए तो मतलब 13 साल और हो चुके हैं, अगर आना होता तो 26वें साल में भी आ सकते थे, 27वें में भी आ सकते थे, अब 38 में आने की गुंजाइश थोड़ी कम है। लेकिन क्या पता किसी दिन चेहरे से नकाब हट जाए और पता चले कि ये वही है, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस, जिसने जापान पुलिस की नींद हराम कर दी थी। तो ये थी वो कहानी। तो वही सिलसिला अपना शुरू, आज विरांची अरोड़ा का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विरांची, और शाम लंगानी ने भेजा है। इसके अलावा मोहित त्रिवेदी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मोहित जी। रीमा, पूजा, प्रशांत, इसके अलावा हिमांशु और पारुल ने भेजा है। निकिता सचान का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे निकिता, और पीयूष तिवारी ने भेजा है। इसके अलावा जैनब अजीज़, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जैनब। और ये बेटियां हैं बाजीगा फरहीन और अब्दुल अजीज़ की। इसके अलावा पलक का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पलक, और विजय जी की बिटिया हैं ये, और वो इनको शायद 15 साल की होगी, बदमाश कंपनी की लीडर है पलक, तो अच्छा है बचपन में ही बदमाशी अगर नहीं करें तो कब करेंगे, ठीक है, बच्चों को शैतान होना चाहिए वैसे। निर्मला शर्मा है, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे निर्मला जी। और चिराग पारस और याद राम जी, इन्होंने भेजा है। इसके अलावा ऐश्वर्या सेन सेवा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या जी, और ये सुमित नेपाली की पत्नी है। साथ ही एहसान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे एहसान, मोहम्मद उवैस ने भेजा है। इसके अलावा इकरा खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इकरा। और तरन्नुम खान ने भेजा है, उनकी बिटिया हैं। मोहम्मद हाशमी, और इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि 11th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मोहम्मद हाशमी साहब। और ये अफसाना मोहम्मद हाशमी ने भेजा, उनकी वाइफ है। साथ ही आयशा नास का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयशा। और अजहर सैयद ने भेजा है। डीपी पवार और सीमा पवार जी, बड़ा अच्छा है, दोनों का 10th को था, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ एक ही दिन जन्मदिन आता है, तो 10th को मैं था नहीं, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डीपी पवार साहब और सीमा पवार जी, आप दोनों को। साथ ही विशाल कुमार, इनका 10th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विशाल। आद्या राउत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आद्या। और ये संगीता के हस्बैंड हैं, संगीता, इनके बच्चे हैं आयांश हैं ऐशानी। इसके अलावा अनिल पाटिल हैं, कहानी की फरमाइश की है। प्रीतम पांडे जी ने कहानी की फरमाइश की है। हरमेश कौर सिंह जी और दलजीत सिंह जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का। सोनू झा जी हैं, जरीन खान एंड राफिया तहरीम खान, थैंक यू आप दोनों का भी। सिमरन शाह और काशीनाथ शाह, थैंक यू आप दोनों का भी आपके प्यार के लिए। इसके अलावा आरिफ हुसैन हैं, और साथ ही निधि भारद्वाज, ऑल द बेस्ट निधि आपकी इस नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रही हैं, खूब मेहनत कीजिए और ज़रूर बनिए। और आंचल भारद्वाज साहब ने भेजा है, और आपका मेल बड़ा अच्छा लगा, तो सरफराज साहब को भी मेरी तरफ से हेलो बोलिएगा और वेलकम भी कहिएगा क्राइम तक फैमिली में। तो आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, इसी तरह आप अपने मेल भेजते रहें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।